जय गुरुदेव, जय महर्षि। हम इस वीडियो में एक एक्टिविटी देखेंगे कि ग्राफ पेपर से किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये एक्टिविटी है क्लास 7 जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। आप इसको 7th, 8th, 9th किसी के लिए भी एक इनोवेटिव मेथड है ये कि हम ग्राफ पेपर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या बनाया है इसको देख लीजिए। कैसे बनाया है ग्राफ पेपर, ये है, अब दिख रहा होगा भीतर में। हाँ, एक ग्राफ पेपर और इनके इधर में ये एम स्केल है, ये एन स्केल है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है हमने, ये पी स्केल है। द प्रोडक्ट एम और एन इज इक्वल टू पी, मीन्स पी पर हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा। एम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस स्केल पर से जो भी एम हमें सेलेक्ट करना है। एट प्रेजेंट हमने 10, 11 और 12 सेलेक्ट किया है। हाँ, ये आप ग्राफ पेपर में आपको इक्वल डिस्टेंस मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बीच में अगर हमें 12.5 करना है तो यहाँ ले लेंगे 12.3, तो ग्राफ पेपर में आप यहाँ 12.3 लें, और 12.9 लेना तो यहाँ कहीं यहाँ जाएगा आपका ग्राफ पेपर। तो हम डेसिमल पॉइंट में भी अगर ये नंबर रहे हमारे तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते। प्रोडक्ट में हो सकता है यहाँ भी डेसिमल रहे, इधर भी डेसिमल रहे, तो प्रोडक्ट में 2 डिजिट फाइंड आउट करना हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट रीड कर सकते हैं। 0.1 वैल्यू तक के तो आपको एक्यूरेट वैल्यू आने के चांसेस है ना, तो एक राउंड फिगर में तो आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, ये 12 पर है, और ये हमारी ये क्या थ्रेड है। यहाँ हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर बड़े ग्राफ पेपर लीजिए आप, बड़े ग्राफ पेपर को किसी हार्ड बोर्ड पर चिपका दीजिए बेस पे, और यहाँ पर एक थंब पिन जो आती है वो लगा दीजिए, और उसके साथ ये थ्रेड को टाई अप कर दीजिए। अब आपको यहाँ जैसे अभी इनिशियल दिया 12 × 5 करना है, उसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, इस थ्रेड को खींच के एन स्केल के 5 पर ले जाइए, यहाँ पर 5 पे, और स्ट्रेच कर दीजिए। यहाँ पर भी एक पिन लगा के खींच के इसको रख दीजिए, ताकि उसको आप मतलब वो हिले डुले नहीं है? और फिर आप अपनी जो रूलर या स्केल है या कोई चीज़ या वर्टिकल, ये यहाँ से लाइन है आपके 12 के अगेंस्ट में सीधे कहाँ ये इंटरसेक्ट करे थ्रेड से। थ्रेड पतला हो तो अच्छी बात है, पतला और मजबूत होना चाहिए। हाँ, रंगीन हो तो भी चलेगा, वाइट हो तो भी चलेगा। जहाँ इंटरसेक्ट करो उस पॉइंट से इधर जाइए आप, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन तो होंगी ग्राफ पेपर में, वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग चलिए। जहाँ ये मिलेगा ये पॉइंट होगा हमारा प्रोडक्ट का। एम ये वैल्यू है, एन ए वैल्यू है, और पी एम के जस्ट ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए थ्रेड का और इस लाइन का, और यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑन पी स्केल। ये पी स्केल है 0, 20, 40। ये स्पेशली हमने ये 20 लिया है ना, देखिए इसको कैसे बना है। ये 20 है, इंटू वन ट्वेंटी, यहाँ सामने लिखेंगे हम। बाकी ये एम एन स्केल तो क्लियर है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 20 × 2, तो इसके सामने हमने 40 लिख दिया। 20 × 3, ये हमने 60 लिखा। 20 × 4, ये 80 लिखा। ये 20 के मल्टीपल में इसी तरह से 6 के सामने 120 है, 5 के सामने 100 है। तो ये स्केल पे जो नंबरिंग करेंगे आप, इसके प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के हिसाब से रहेगा। तो 20 सेंटीमीटर वाला बना लीजिए आप, अगर के पास ग्राफ पेपर बड़ा है तो आप और 40 तक के इसको ए कर लीजिए। मगर यहाँ पर जब नंबर लेंगे आप, इधर नंबर तो आप 1111 डिस्टेंस पर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बीच के छोड़ दिए क्योंकि इतना लिखने से पूरा वो भरा भरा हो जाएगा। और इस पे आप फिर नंबर लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने बड़ा ग्राफ पर यहाँ हो तो उतना ही इधर भी लेना है आपको, क्योंकि सारे के प्रोडक्ट है। और थ्रेड इतना बड़ा लेना है कि ये हमेशा इससे यह है मतलब खींच के हम क्रॉस कर सकें और यहाँ पर एक थंबनेल लगा के उसको बांध सके या ये कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हुआ प्रोडक्ट। अब ये इस कंडीशन में तो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 12.5 करीब है ना अभी ग्राफ पेपर में, इनटू 4 करें, ये लाइन पैरेलल जानी चाहिए हमारी। तो ये हमने इसको खींचा, और ये भी वर्टिकल होनी चाहिए, हाँ एकदम 90 डिग्री हो। अब ये देखिए इस समय यहाँ वैल्यू अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 40 ये है, 50 ये है, ये 60 ये है। तो 12.5 × 4 इज इक्वल टू नियरली 50। आप ग्राफ पेपर रहेगा जो जिसमें आपका हो जो मिलीमीटर वाला भी की लाइन्स होती है तो उस पर आप रीड कर सकते हैं ये वैल्यूज। अब हम एक और कोई दूसरा ये लें और किसी से हम मल्टीप्लाई करें, हम ये 4 से करते हैं, 4 × हम 10 करते हैं। ये 10 पे किया हमने, इसको सीधा वर्टिकल किया पहले, हाँ ये देख लीजिए वर्टिकल हो रहा है ना, और आपको ग्राफ पेपर पे वर्टिकल क्लियरली दिखेगा। तो 10 ये है इंटू 4, ये जो हमने सेलेक्ट किया है इंटू 4 इज इक्वल टू 40 है। इसी तरह से अगर हम ये 5 का फिर से लें, कुछ सिलेक्टेड नंबर ले रहे हैं, 16.5 जा करें हम, 16.5 हम जानते हैं कितना होता है, 16.5 कोई बताएगा, आप देखिए 16.5 ये देखिए यहाँ का क्या नंबर आ रहा है, ठीक है करीब दिख रहा है आपको 80। तो इस तरह से हम और भी कुछ नंबर ले हैं, हाँ 11 × 5 करें, 11 × 5 हम जानते हैं ये 60 वाले लोकेशन भी चला गया, ये थोड़ा 11 पॉइंट से आगे आ रहा है इसलिए ये अब आएगा। जी हमारे करीब यहाँ करीब 50 होगा और ऊपर में 55 के करीब अप्रॉक्सीमेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेशन ही दिखेगा इस स्क्रीन पर, मगर ग्राफ पेपर में
थोड़ा और मोर एक्यूरेट नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ पेपर है। अब इसको हमने कैसे बनाया, एक तरह देखिए, पहले हमने ये लाइन खींची, इस फिर इसके ऊपर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20 तक के काउंट करिए। अगर आपको 40-30 और नंबर लेना है तो उसके हिसाब से आप ये ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 लीजिए। इस नंबर पे लिखने पे जो भी यहाँ नंबर आप लास्ट लेंगे, इनटू 1 करिए, उसके सामने लिखिए 2 करिए, जो भी नंबर यहाँ लिया आपने, से 25 लिया आपने तो इनटू 2 करिए तो 50। और इस तरह से आप यही नंबर, आप ये प्रोडक्ट वाला लाइन पर एम और एन, एम मतलब लास्ट एम जो है, और इसके एक एक के अनुसार ये लीजिए। इसको कैसे बनाया एक बार ये हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं और आप इसको बना के देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए ये हमने लाइन खींची, तीनों लाइन आ गई, एम एन पी स्केल से आ गई, इनका नाम हमने एम स्केल पे हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये यहाँ का एक पॉइंट है, ये शिफ्ट हो गया शायद हमारा, इनको फिक्स करना पड़ता है। हमने ड्रैग किया तो पॉइंट भी लाइन के साथ यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, या बाद में आएगा ये अभी। हाँ ये बाद में आ गए। तो ये हमारा क्रमबद्ध आपको बता दिया कि पहले सब में पहले हमने ये लाइन खींची, ये तीनों लाइन खींच दी और इसके ऊपर यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 20 तक लिखा, इधर हमें जहाँ तक के भी इसके लिखने बड़ी है छोटी है उसके ग्राफ के अनुसार आप अपना सिलेक्ट करिए, और ये नंबर से इस नंबर का मल्टीप्लाई करके ये सामने मल्टीप्लिकेशन स्केल पर लिखिए। ये जो भी ये नंबर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 40 आ गया। इस तरह और बड़ा स्केल आप बना सकते हो। आशा है कि आपको ये एक नया इनोवेशन पता चला होगा, और ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और आप इसको पहले बार, मैं सोचता हूँ कि पहले बार आप इसका वीडियो भी देख रहे होंगे। तो ये 7th, 8th, 9th में आप किसी भी क्लास में, जहाँ ग्राफ पेपर थोड़ा सा बच्चों को समझ में आ जाता है, ग्राफ पेपर पर नंबरिंग करना ये करना, आप 6th को भी बच्चे को अगर समझा देंगे तो ये कर सकते हैं। आपके जो मैथ्स एग्जीबिशन होती है उसमें ये वाला एक मॉडल बना लीजिए और अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए, और उसका जो है आप प्रूफ भी डेवलप कर लीजिए। प्रूफ बहुत सिंपल है, ये क्या, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे चलता है, हाँ तो ये जो है हमारे लाइंस उसके अनुसार ही आ जाती है। हाँ तो इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी है नहीं, ओनली सिंपल सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है। आप गणित का आनंद लीजिए और नए नए तरीके सीखने के लिए सोलंकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको शुभकामनाएं, जय गुरुदेव, जय महर्षि।